सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल एवं महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव के निर्देश पर आज पीलीभीत के एक होटल में सपा महिला सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश परिहार, महिला सभा की जिला अध्यक्ष आशा वर्मा एवं जिला महासचिव मीना दीक्षित ने संयुक्त प्रेस वार्ता में घोसी उपचुनाव में सपा को मिली बड़ी जीत पर हर्ष व्यक्त करते हुए प्रदेशवासियों को बधाई दी। इसके साथ ही सपा महिला सभा की जिला अध्यक्ष आशा वर्मा के निष्कर्षी रहने पर मीडिया में छपी निष्कासन की खबरों को निराधार बताया। आशा वर्मा के पति पर लगे आरोपों को विरोधियों की साजिश बताते हुए महिला सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश परिहार ने कहा कि महिला सभा की जिला अध्यक्ष आशा वर्मा के निष्कर्षी रहने पर मीडिया में छपी निष्कासन की खबरें निराधार हैं। आशा वर्मा के नेतृत्व में जिला संगठन बेहतरीन कार्य कर रहा है। वहीं जिला महासचिव मीना दीक्षित एवं महिला सभा की जिला अध्यक्ष आशा वर्मा के साथ पत्रकारों से वार्ता करते हुए महिला सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश परिहार ने बताया। मैडम, आज किस संबंध में पत्रकारिता वार्ता बुलाई गई है? ये पत्रकारिता रखी गई है जो हमारी घोसी विधानसभा जीती है, इसी उपलब्ध में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। इसमें जिलाध्यक्ष हमारी आशा वर्मा जी हैं और जिला महासचिव मीना दीक्षित जी हैं और हम लोग घोसी तो जीते हैं, लखनऊ जीते हैं, बेहड़ी जीते हैं, जौनपुर जीते हैं और तुम्हारा जालौन जीते हैं, कई जगह जीते हैं। तो फिर उसके साथ में हमारे समाजवादी जो हमारे भाई लोग थे उनने और समाजवादी महिला सभा ने सबने मिलकर खुशी मनाई है और मिठाई भी खाई है और एक दूसरे को मिठाई खिलाई है और हम लोगों ने पटाखे बजाए हैं, इसलिए बहुत खुशी मनाई गई। समाजवादी पूरे उत्तर प्रदेश में खुशी मनाई गई। 2024 में भी जीते इंडिया गठबंधन जो है जिसमें समाजवादी पार्टी शामिल है, इसमें घोसी की जीत में कितना योगदान इंडिया गठबंधन के सहयोगी लोगों का रहा है? ये जो है इसमें जो है काफ़ी इनने इंडिया गठबंधन ने पूरा सहयोग किया और सहयोग करने के बाद में देखिए ये तो कल ही पहुँच गए थे और कल ही पहुँचने के बाद इनने जो है हमारे आदरणीय विधायक जी जो जीते हैं उनके उपलब्धि में वहाँ मिठाई बांटी, खुशियाँ मनाई और सबसे बड़ी बात है कि एक गठबंधन को संपूर्ण बनाया गया और हमने सबके मिलकर काम करेंगे। आगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा उस हिसाब आदेशा और हमारी प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव जी का आदेश होगा उस हिसाब से काम करा जाएगा। नरेश उत्तम पटेल जी का जो आदेश होगा उनके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। जैसे कि कमलेश जी, आप प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी है जी। इस जिम्मेदारी में आपने अब तक कितने जिले ऐसे हैं जहाँ पर संगठन विस्तार का कार्य करवाने में जो भूमिका निभाई है? मैं जब प्रदेश उपाध्यक्ष बनी थी तो पहले भी तो मैंने अपना पीलीभीत में पूरा सहयोग दिया और पीलीभीत तो है ही है। उसके बाद में मैं काफ़ी जगह गई, जैसे मैं लखीमपुर गई, सहजानपुर गई, सहजानपुर में जो वो नगर अध्यक्ष वाला कांड हुआ था उसमें मुझे प्रभारी बना के भेजा गया था, तो वहाँ मैं गई। वहाँ जाके मैंने सारा संगठन पूरी पांचों महिलाओं ने वहाँ सबसे जानकारी ली और उनके साथ बैठ के अफसोस व्यक्त किया। इंडिया के प्रति महिलाओं में किस तरह की सोच है? इंडिया के प्रति महिलाओं में सोच काफ़ी अच्छी है क्योंकि हमारा गठबंधन है, महिलाएं किसी से पीछे नहीं है, महिलाओं की हिस्सेदारी सबसे आगे है, बढ़ चढ़ के और सबका साथ होगा। समाजवादी महिला सभा पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत जबरदस्त तरीके से महिलाओं के बीच काम कर रही है, जबकि गठबंधन के अन्य जो संगठन है वो भी अगर इस तरह से काम करें तो कैसा? सबसे पहले तो मैं प्रदेश उपाध्यक्ष जब बनी थी तो मैं कम से कम 20-25 जिलों में गई थी और मैंने जिला की कमेटियां बनवाई थी, जैसे लखीमपुर गई, सहजानपुर गई, बरेली गई, बदायूं गई और मैं आपके उसके बाद में मैं इटावा गई, मैं उसके बाद मैं बागपत के बाद मैं उसके बाद मैं घोसी गई थी, काफ़ी जगह गई थी मैं। तो कम से कम मैंने जो अपना प्रोग्राम दिया है, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आदेश दिया है, नरेश उत्तम पटेल जी ने जो आदेश दिया है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो आदेश दिया है उसका मैं पूरी जिम्मेदारी से काम निभा रही हूँ और निभाती रहूँगी। उत्तर प्रदेश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं 2024 के लिए? उत्तर प्रदेश की महिलाओं को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि देखिए ये सरकार जो है, ये सरकार बहुत जुल्मी है। देखिए अब जो इलेक्शन आने वाला है, तो जब इलेक्शन आने वाला है तो इन्होंने सिलेंडर सस्ता कर दिया, अभी तक इन्होंने देखिए कितनी महंगाई कर रखी है। और मैं महिला हूँ और मैं महिलाओं के बारे में अच्छी तरह जानती है, अब महिलाओं को गृहस्थी चलाना कितना मुश्किल हो रहा है ये तो सभी जानती है। महिलाएं की गृहस्थी कैसे चलाएंगी, घर गृहस्थी देखिए, सिलेंडर देखिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखिए, नौकरी देखिए, कुछ भी नहीं है, सब हुआ पड़ा है, कुछ काम नहीं कर रही है सरकार।
तो इसीलिए ये लेके हमें संदेश देना है। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो काम किया था 100 नंबर 108 नंबर 102 नंबर जो चलाई थी उसके लिए हमें बताना है, जनता के बीच में जाना है, जनता तैयार बैठी हुई है, केवल आवाज़ लगाना है और हमें उनके लिए अपने साथ लाना है और जनता बिल्कुल मन बनाए बैठी हुई है। जैसा कि सरकार ने 200 रुपये सिलेंडर की कीमत कम की है तो तमाम भाजपा के लोग इसका प्रचार कर रहा है कि हमारी सरकार ने महिलाओं को बड़ी सुविधा दी है और जो उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत थे उनको भी बड़ी सुविधा दी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो इन्होंने अब जो इलेक्शन आने वाला है इसलिए उन्होंने 200 रुपये कम करे हैं क्योंकि वो जनता को भटकाना जा रहे हैं, तो जनता भटकने वाली नहीं है, जनता ने पूरा मन बना रखा है, जनता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है तो इसीलिए जनता ने पूरा मन बना लिया है, जनता मानने वाली नहीं है, जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है, समाजवादी पार्टी बिल्कुल तैयार बैठी है, हमारा गठबंधन तैयार बैठा है और हमारी जनता तैयार बैठी है। कमलेश जी, जैसे कि अखबारात में खबर शाया ये हुई थी कि जिला अध्यक्ष आशा वर्मा को निष्क्रियता के कारण हटा दिया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो समाचार निकाला गया था ये मेरे संज्ञान में नहीं था क्योंकि मेरी जिलाध्यक्ष है, इतनी मेहनती है, इतनी करवट है, ये पार्टी को इतना मजबूत कर रही है और जब से इनने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी ने और नरेश उत्तम पटेल जी ने जो जिलाध्यक्ष बनाई है जब से ये पूरी तरह से काम कर रही है, गाँव गाँव जा रही है, शहर शहर जा रही है और पूरी समाजवादी पार्टी के लिए तन मन धन से इसका सहयोग कर रही है। तो ये जो समाचार पत्रों ने छापा था तो ये कहाँ तक सही था? ये तो देखिए मेरे संज्ञान में नहीं था, मैं आपको बार बार बता रही हूँ ये मेरे संज्ञान में नहीं था, ना मैंने लिख के दिया था या ना मेरे संज्ञान में था क्योंकि जो महिला मेरे साथ शुरू से चल रही है, आज से नहीं चल रही थी, काफ़ी टाइम से चल रही है और जो इतनी मेहनत वाली महिला है शुरू से काम मेरे साथ कर रही है तो मैं उसकी बुराई कैसे कर सकती हूँ, या तो वो मेहनत ना करती होती। आशा वर्मा जी, जैसे कि अभी अखबारात में खबर शाया हुई थी कि आपको जिलाध्यक्ष पद से हटाया गया है पहले तो निष्क्रियता को लेकर के, तो इस पर क्या कहना चाहेंगी? पहले तो मैं अपने मीडिया बंधु वालों सबके लिए नमस्कार और बात करती हूँ, और जो अभी तक जो लगाया गया है वे गलत है, वे ना कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है, आज तक ना हुआ है ना होगा, और जो आरोप हमारे ऊपर लगाए गए हैं, हमारे हस्बैंड के ऊपर लगाए हुए हैं, ये नेता गलत हैं। जैसे कि कुछ लोगों का कहना ये है कि आशा वर्मा पैसा लेकर के पदाधिकारी वगैरह नियुक्त कर रही है, इसकी सच्चाई क्या है? जी एक गलत है, गलत बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी ना बिल्कुल गलत है, ये निराधार असत्य जी, जिस जो कुछ हो रहा है ये एक दूसरे के हित में रख के हो रहा है, कर्ता कोई और है, मोहरा कोई और है, इसका यही वो है कि हम सब लोग एकता हैं और एकता रहेंगे, हाँ करता है, और किसी के जैसे एक कहावत है कि किसी के ऊपर बंदूक रखे और कोई चलाता है, वो हिसाब इसमें है कि कोई इंसान करता है, कोई मोहरा बना हुआ है, इस हर चीज़ को लेके हम यही कहेंगे कि हम सब लोग एकता हैं और हमेशा एकता रहेंगे। मीना दीक्षित जी, आप समाजवादी महिला सभा की जिला महासचिव हैं जी, जैसे कि लगातार एक चर्चा चल रही है कि जिलाध्यक्ष को निष्क्रिय रहने की वजह से हटा दिया गया जी। दूसरी चर्चा ये है कि जिलाध्यक्ष जो हैं वो पैसे का लेन देन का आरोप उनके पति पर लगा जी। और तीसरा आरोप ये है कि संगठन पूरी तरीके से ज़िले में काम नहीं कर रहा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो जो आपने फर्स्ट पॉइंट पूछा है, क्या पूछा आपने कि निष्कासित किए निष्क्रिय हैं, लेकिन नहीं, सॉरी हिंदी में बोलना है, बहुत मेहनती हैं ये और इनके मेहनत को देखते हुए मैंने महासचिव का पद इनसे लिया कि मैं भी काम करने में इच्छुक हूँ, काम करती हूँ। और रहा ये बात कि जो संगठन काम नहीं कर रहा है महिला संगठन, ये बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है, महिला संगठन ही ज़्यादा काम कर रहा है, जगह जगह चौपाल लगा रहे हैं हम, जगह जगह महिलाओं को घर से निकाल के बताते हैं, अपनी समाजवादी पार्टी की नीतियों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीतियों को बताते हैं और उनसे बताते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी को 24 में लाना है तो आपको घर से निकलना है। ये कौन लोग हैं जो इस तरह की अफवाहें मीडिया के माध्यम से और पब्लिक में इस तरह की अफवाहें कुछ फैला रहे हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी पार्टी में भी रहते हैं, दूसरों की पार्टी में भी इन्वॉल्व रहते हैं,
अब जो विपक्ष में जो हम लोग हैं जो सत्ता में उनमें भी मिले हुए रहते हैं, कौन रहता है ये तो आप उसको वॉच करिए, आप निकालिए कि देखिए कि कौन है इसमें, और आप निकाल लेंगे मुझे पता है। तीसरी चीज़, नित्यानंद जी जो पैसा लेते हैं, पैसा ले करके बनाते, बिल्कुल निराधार, बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल झूठ है ये। आप, मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कहा कि काम जो नहीं करता है वो ही बोलता है। सारिका रजा ने मेरे पे इन्वॉल्व क्या कहते एलिगेशन लगाया है कि उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन कोई प्रोग्राम में आपने शायद उनको नहीं देखा है, सारिका रजा मंसूरी को, और मेरे को आपने क्या देखा क्या नहीं ये तो मैं नहीं बोलूँगी, आप लोग जानते उस चीज़ को। तो इसी वजह से ऊपर से प्रदेश अध्यक्ष ने सब कुछ सुन सुना करके उनसे बात की, बात करने के बाद उनको उपाध्यक्ष बनाया गया और मेरे को महासचिव बनाया गया। मैंने नहीं कहा था मुझे महासचिव बनाओ, और आप जानते हैं मैं काम कर रही हूँ, मैंने कभी पद के लिए काम नहीं करा। मैं मान सम्मान की भूखी हूँ, आपको मान सम्मान देती हूँ, मैं अपना मान सम्मान लेना चाहती हूँ। हम महिलाओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि आप तो बाहर निकलिए और समाजवादी पार्टी की नीतियों को समझिए और संगठन में शामिल होइए। 2024 में हमारे लोकसभा जिताइए और 2027 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को फिर से मुख्यमंत्री बनाइए, हम यही चाहेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।